नमस्कार दोस्तों, टीएसपी देवघर में आपका स्वागत है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती की न्यूज निकलकर सामने आई है। पोस्ट ए पे मतलब ग्रेड ए पे अगर वैकेंसी की बात करें तो 650 वैकेंसी है, सैलरी 36,000, लोकेशन ऑल ओवर ऑल इंडिया से, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट इसकी 22 अगस्त, एग्जाम डेट 4 सितंबर 2021। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप, किसके अप्लाई कैसे करेंगे, इसका क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कितना हो चाहिए, आईडीबीआई बैंक का इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको अंत तक देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल टीएसपी देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन की घंटी को भी आप जोर से बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी न्यूज सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक भर्ती 2021, ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। पोस्ट नेम दिया है असिस्टेंट मैनेजर, मतलब ग्रेड ए वाला वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 650। पे स्केल 36,000 पर मंथ, इसमें पैसा मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लिमिट 21 से 18 इयर्स। एप्लीकेशन फ़ी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 200 रुपये, फॉर ऑल अदर्स के लिए 1,000 रुपये लगने वाला है। इसको आप पे कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट, कैश कार्ड, किसी भी तरह से आप पे कर सकते हैं इसको। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दिया हुआ, ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट के द्वारा। यहाँ जो अप्लाई मोड है इसका ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, मतलब आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ www.idbi.com, यहाँ से आप किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ अभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर दिया है, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10 अगस्त 2021, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 22 अगस्त 2021, लास्ट डेट फॉर पे 22 अगस्त 2021, डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट 4 सितंबर 2021। यहाँ पे इसका है इम्पोर्टेंट लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप इसमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, यहाँ पीडीएफ यहाँ पे न्यू में क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ अगर रजिस्टर करने के लिए यहाँ रजिस्टर टू अप्लाई में क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो डायरेक्ट आप लॉग इन टू अप्लाई ओनली कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कर। तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन में लेकर चलते हैं आपको। हम इसको ऑफिशियल नोटिस में आ चुके हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा साउथ एंड वेस्टर्न जोन, यहाँ आपका जोन दिया हुआ है, दोनों जोन के आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसके थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिया हुआ है कि आपको किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली। एस सी में 97, एस टी में 48, सर्विस में OBC में 175, PWD में इतना, मतलब टोटल 650 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट भी दिया हुआ है कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 18 वर्ष, मिनिमम 21, 18 मैक्सिमम 28। फिर इसका थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है एज ऑन July 1, 2021, मतलब आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र आपकी 21 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसका अप्लाई करने का चार्जेस कितने लगने वाला है, तो एप्लीकेशन फ़ी कितने लगने वाला है, तो SC ST या PWD के लिए लगने वाला है 200 रुपया, और ओवर अदर के लिए 1,000 रुपया। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई इसको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके अप्ले क्या पेमेंट ऑफ फ़ी रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसका पेमेंट कीजिए, फिर अप्लाई करें। और इसके जो कैंडिडेट के जो फॉर्म है, जो 10/8/2021 टू 22/8/2021 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते, फिर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन कि बहुत अभी कितना, अगर आप SC ST PWD तो 200 रुपया, फॉर ऑल अदर्स का 1,000 रुपये, हम पहले बता चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट से होने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन, या लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिसिस पे 60 क्वेश्चन होंगे इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स हो गए 60 मार्क्स। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में 40 में से 40 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 40 से भी 40 मार्क्स, इतने 40-60 मिनट, और इसमें ड्यूरेशन अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का टाइम होगा इसमें पूरा। इसके बाद यहाँ पे दिया होगा आपको जहाँ पे एग्ज़ाम देना है उसका, जिस सेंटर में आपको एग्ज़ाम देना है, जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चुनना है, सारा यहाँ पे दिया हुआ, आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का आप चुन सकते हैं। इस नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हासिल कर सकते हैं।
जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद लॉगिन टू अप्लाई में क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप इसको यहाँ नाम एड्रेस पता मिडिल नेम सारा आप फ्लिप करने के बाद आप इसमें आप दो नंबर पे आया फोटो एंड सिग्नेचर, इसके बाद आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद तीसरा नंबर में डिटेल्स, इसके पर भी आप, इसके बाद पाँचवा नंबर में अपलोड। अपलोड करने के बाद आपका पूरा अपला फॉर्म अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी IDBI बैंक की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। हम ऐसे ही न्यूज़ लाते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल की आकर के घंटी को भी आप बजा दें। तो दोस्तों हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ लेकर, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।